इस साल फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में भड़के दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और जामिया के दो छात्रों के खिलाफ यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट लगा चुकी है। अब पुलिस इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, जेसीसी, पिंजरा तोड़ और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एआईएसए के कई सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके रडार पर एक प्रोफेसर और डीयू के कई छात्र और पूर्व छात्र भी हैं। इसके अलावा जेएनयू के भी कई मौजूदा और कई पूर्व छात्र उनके निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जामिया के छात्र और राजद के नेता मीरन हैदर, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर सफूरा जरगर और भजनपुरा निवासी दानिश के खिलाफ यूएपीए लगाया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार 9 लोगों के व्हाट्सएप चैट को स्कैन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि ये संगठन एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें जोड़ने वाला एक सामान्य सूत्र है। वो एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था और योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। कुछ बातचीत में वो विरोध स्थल पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा कर रहे थे और स्थानीय नेताओं को और अधिक से अधिक लोगों, खासकर महिलाओं को और बच्चों को जुटाने के लिए कह रहे थे। पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा कि वे इन संगठनों के सदस्यों के बैंक खातों के बीच पैसे के लेन देन का भी पता लगा रहे हैं। उनका मानना है कि उनमें से कुछ ने पीएफआई के साथ विदेशों से भी पैसा प्राप्त किया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इन लोगों के द्वारा विभिन्न मंचों पर दिए गए भाषणों से भी दंगों को भड़काने में, उनको उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है तब से अब तक फरवरी के दंगों के लिए एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जरगर, हैदर, पूर्व कांग्रेस सांसद इरशाद जहां और कार्यकर्ता खालिद सैफी। इस महीने की शुरुआत में जरगर की गिरफ्तारी के बाद 26 नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने जामिया छात्रों की मनमानी गिरफ्तारी की निंदा की थी और आरोप लगाया था कि पुलिस लॉकडाउन की आड़ में गिरफ्तारी कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लॉकडाउन में दंगे के दोषियों को बख्श दिया जाएगा। आपके लिहाज से इसमें क्या होना चाहिए था, अपनी राय वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।